हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे प्लिंथ बीम रेनफोर्समेंट के बारे में। यहाँ पर जो हमने रेनफोर्समेंट यूज़ किया है प्लिंथ बीम को, वो टॉप में 16:2 और बॉटम में 16:2 ऐसा यूज़ किया है। और इसका जो स्टिरप्स है वो 8 mm का है, और इसका सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है ऐसा वो 200 mm है, जो कि थ्रू आउट पूरे प्लिन बीम को ऐसा ही दिया है। यहाँ पर जो है पहले से कंस्ट्रक्शन हुआ है, उसमें जो प्लिन का डॉवेल आगे छोड़ा हुआ है और उसको लैप करके ही ये जो प्लिन बीम है आगे एक्सटेंड किया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, बेसिकली जो प्लिंथ बीम में मैक्सिमम रेनफोर्समेंट जो यूज़ करते हैं वो 12 mm तक करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमने यूज़ किया है रेनफोर्समेंट वो 16 mm का है, जो कि हेवी है प्लिंथ बीम में। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर हेवी कार पार्किंग एरिया आने वाला है, तो यहाँ पर प्लिंथ बीम के ऊपर स्लैब कास्ट होने वाला है। और इसका जो प्रोसीजर है, ये सॉइल जो है प्लिंथ बीम के बीच में ये कॉम्पैक्ट करके इसके ऊपर PCC आने वाला है, और उसके ऊपर फिर से स्लैब कास्ट होने वाला है। क्योंकि ये जो कार पार्किंग एरिया है, जो जो कार का जो लोड रहेगा उसके वजह से, जो हम जब हम तो PCC हम इसके ऊपर कास्ट करेंगे, तो कुछ इस तरह से इमेजेस है जो कि हमने ऑब्जर्व किया है। इसलिए हमने यहाँ पर जो प्लान किया है, यहाँ पर प्लिन बीम में 8 mm के डॉवेल डाल के यहाँ पर स्लैब ही कास्टिंग हो जाएगा, ताकि जो आपको इमेज में दिखाया है वैसा यहाँ पर क्रैक का प्रॉब्लम पार्किंग में नहीं आएगा। ये अवॉइड करने के लिए यहाँ पर हमने इस तरह से प्लिन बीम को हेवी स्टील लिया हुआ है। तो इस तरह से इसका रेनफोर्समेंट का डिटेल था।